जय जैन बंधुओं, मैं रवि जैन गुरुजी। आज मंगलवार और द्वीप पुष्कर योग। देखिए, हमें कोई भी नया कार्य आरंभ करना होता है तो हम द्वीप पुष्कर योग में आरंभ कर सकते हैं। उसके सफल होने की और उसके दो गुना फल मिलने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए आज द्वीप पुष्कर योग, हमें कोई भी नया कार्य आरंभ करने का दिन। और अब बात करते हैं आज के राशि फल की। मेष राशि वाले, आलस्य से बचे, संबंधों में खिंचाव आ सकता है। क्या करें, बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लें अगर संभव हो तो। वृषभ राशि वाले, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बच्चों को प्यार दें। क्या करें, कबूतरों को यथासंभव दाना डालें। मिथुन राशि वाले, खर्च से बचें, बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। क्या करें, नौ छोटी इलायची वेदी पर ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः बोलकर चढ़ाएं। कर्क राशि वाले, खान पान पर विशेष ध्यान दें, पुराने संबंधों से आज फायदा हो सकता है। क्या करें, ओम ह्रीम श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः की एक माला फेरें। सिंह राशि वाले, दिन अच्छा है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता। क्या करें, 10 मिनट का स्वाध्याय दिन में 2 बार करें। कन्या राशि वाले, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अचानक लाभ की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है। क्या करें, नमो सिद्धानम की एक माला फेरें। तुला राशि वाले, आय के स्रोत बढ़ेंगे लेकिन व्यापार पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करें, यथासंभव मसूर की लाल दाल दान करें। वृश्चिक राशि वाले, आज दिन साधारण है, विरोधियों पर नजर रखें। क्या करें, अगर संभव हो तो आज घी का परहेज करें, घी का त्याग रखें। धनु राशि वाले, कोर्ट कचहरी से बचें, मन में प्रसन्नता बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या करें, पानी में केसर घोलकर अपने कमरे में रखें। मकर राशि वाले, प्रेम संबंध सुधरेंगे लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना पड़ेगा। क्या करें, श्री विमलनाथ जी का चालीसा एक बार हल्की आवाज में पढ़ें। कुंभ राशि वाले, लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं लेकिन क्रोध को काबू में रखें। क्या करें, श्री भक्तांबर जी का 27वां काव्य 27 बार पढ़ें। मीन राशि वाले, नुकसान की आशंका, काम कल पर मत टालें, आज का काम आज ही निमटाएं। क्या करें, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः की एक माला फेरें। राशि फल के पश्चात बंधुओं, अब बात करते हैं आज की सलाह की। देखिए, आज की सलाह में ध्यान रखें, जो व्यक्ति या जो जातक या जो महिला अकाउंट से संबंधित काम करती हैं या सीए हैं, उनको कुंडली अवलोकन के पश्चात पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अगर वो कुंडली अवलोकन के पश्चात पन्ना रत्न धारण करते हैं तो निश्चित रूप से वह उनके कैरियर को बढ़ाने में सहयोगी बनता है। और अब बात करते हैं आज की मेल की। ये मेल हमें भेजी है राजकुमार जैन जी ने, सागर एमपी से। लिखते हैं, गुरुजी, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मैं काफ़ी समय से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए राजकुमार जी, आपने जो अपनी कुंडली भेजी है, मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में अभी थोड़ा सा समय और है जो आपको परेशान करेगा, परेशानी देगा। तब तक आप दो उपाय करें। एक तो श्री भक्तांबर जी का 28वां काव्य रोजाना 10 बार हल्की आवाज में पढ़ें, और दूसरा ओम ह्रीम श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः की एक माला फेरें। अगर आप ये दो उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये समय निकल जाएगा और एक
समय के पश्चात निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आपके व्यापार को लेकर आपके जीवन में आएगा और निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे। इसी के साथ बंधुओं, आपकी भी कोई समस्या या जिज्ञासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।